हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद एजे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है, तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, वैसे तो सारे पेपर ईजी होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा ईजी पेपर होता है बोर्ड्स में, क्योंकि आपने थंबनेल में देखा ही होगा द मोस्ट ईजी पेपर इज़ इको। बेसिकली क्या होता है कि दो इसमें सेक्शन आते हैं, आपको पता ही होगा। जो पहला सेक्शन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, 40 मार्क्स गेन करता है पहला सेक्शन, और जो दूसरा है वो इंडियन इको होता है, वो भी 40 मार्क्स होता है। तीन से चार क्वेश्चन तुम्हें चॉइसेस मिल जाएंगे करने में, मतलब ओवरऑल मिलेंगे। ये नहीं कि पहले सेक्शन में चार चॉइस मिल गई, दूसरे सेक्शन में नहीं, ऐसा नहीं। पूरे ओवरऑल पेपर में उसमें चार सेशन और चार चॉइसेस मिलेगी। बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट आता है, जैसे कि रिलेटेड टू इंडियन इको, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। इसमें 6 मार्क्स एक नेशनल इनकम का क्वेश्चन आएगा, जो ज़्यादा टफ नहीं होता है बिल्कुल भी। आप 5 मिनट में सॉल्व करके इसे रख दोगे, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है वो तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा 4 या 6 मार्क्स में, उसमें आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना होगा। हाँ, जो AD ग्रेटर देन AS वाला क्वेश्चन है, वो वाला उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो आप इजीली अपने वर्ड्स में उसमें आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैक्रो सेशन इज़ द डायग्राम। आपको डायग्राम बहुत अच्छे से करके जाना है, नीचे साइड में जो भी लिखते हैं आपको याद रख लेना, और जो डिमांड और सप्लाई के जितने भी डायग्राम हैं उसे आप समझ लेना, और उसे प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि उसमें आता ही आता है वो डिमांड और सप्लाई, में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस मैक्रो में बस इतना ही। अब बात करते हैं इंडियन इको के बारे में। इंडियन इको में तो सब थ्योरेटिकली होता है, उसमें बेसिकली सारे आपको बना के आंसर लिखो, या आपको अगर आता है तो वैसे ही लिख दो। नंबर तो कटते नहीं है अगर आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो आंसर। जो उसमें नवार्ड वाला पोर्शन है उसे आप पढ़ लेना, क्योंकि वो आता ही आता है। और जितने भी ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं जो इंडियन इको में होते हैं, जितने भी ग्राफ, उसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं ग्राफ्स टाइप, उसको आपको एनालाइज करना होगा, उसके बेसिस में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ग्राफ का एनालाइज करना आना चाहिए। और जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आप ट्राई कीजिएगा डायग्राम या ग्राफ में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि अगर आप थ्रू डायग्राम और ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं तो जो एग्ज़ामिनर होता है अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ता है, और उसे लगता है कि बच्चे को समझ के किया है और उसको अच्छे से क्लियर है। जो इंडियन इको का पेपर है उसमें ट्राई कीजिएगा टू द पॉइंट आंसर देने का, ज़्यादा लॉन्ग मत लिखिएगा, थोड़ा जो एग्ज़ामिनर होता है फ्रस्ट्रेट हो जाता है और थोड़े से मार्क्स काट सकता है आपके उधर, तो इसे ध्यान रखिएगा। जितने भी एनालाइज वाले क्वेश्चन आते हैं उसे आप स्किप मत करना। द रीज़न व्हाई यू शुड नॉट स्किप दैट क्वेश्चन, इसकी जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं ना, एग्ज़ामिनर थोड़ा उसको लाइटली चेक करता है और इसमें थोड़े से मार्क्स आपको दे देता है गिफ्ट में। ये नहीं कि आप अगर कुछ लिख के नहीं आओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, आपको स्किप नहीं करना है, पूरा आपको रिलेट करना चाहिए, कुछ भी लिखो थोड़ा सा रिलेट करना चाहिए टॉपिक से। अब जो क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेशन सबसे पहले स्टार्ट करना है, तो आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले सेशन ए ही स्टार्ट कीजिएगा, मैक्रो वाला पोर्शन आप पहले कवर कीजिएगा, क्योंकि मैक्रो में थोड़ा सा आपको फ्रेश माइंड चाहिए होता है, उसमें आपको थोड़ा सोच के आंसर देना पड़ता है, तो आप उसे स्टार्ट कीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है वो लेंथी नहीं होता है, बच्चों के पहले ही टाइम से पहले ही पेपर आपको ख़त्म हो जाता है, मतलब कंप्लीट कर देते हैं बच्चे, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेंथी नहीं होता है पेपर, आपका भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आफ्टर द एग्ज़ाम यू विल बी वेरी हैप्पी, बिलीव दैट। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ पीसफुल डे, एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।